ये है, मैंने लाया है सिल्क वॉर्म। आप देख सकते हैं इसे सिल्क बनाता है। देख सकते हो अभी भी ये जिंदा है। अभी नॉर्मली येलो होता है लेकिन ज़्यादा पक गया एंड बुरा हो गया तो हाँ जितना डार्क उतना अच्छा टेस्टी होता है पुराना। तो अभी इसको लेके हम बॉईल करेंगे, इसके बाद दिखाएंगे आपको प्रोसेस। में डाल दिया है, अभी उबलने देंगे। हमारा निकाल दिया है, अभी बॉईल हो गया। अब इसका हम लोग चना को पील करके करेंगे, ऐसे करके पील करेंगे इससे इजी से चमड़ा निकाल जाता है क्योंकि हमने बॉईल किया है तो इतना इजी से पील हो जा रहा है। देखो बॉईल करने के बाद वाह सुंदर है, वाह। ऐसा करके हम लोग पील करेंगे, देख सकते हो पूरा चीर के हो गया है। आटा फ्राई करेंगे और बॉईल करेंगे। अभी थोड़ा सा फ्राई बॉईल करेंगे तो ऐसा ले रहा है, इतना हो जाएगा। यहाँ में मैंने पानी और मैंगो सूप डाला है एंड यहाँ अदरक लहसुन पीस चुका है, इसको डालेंगे। एंड ये हमारा बुक है, ये पेस्ट को डाल देंगे यहाँ पे। बेम्बू को पहले पकने देने दिया है क्योंकि वो ज़्यादा टेंगा होता है तो टेंगा को जाने देने के लिए। अभी हमारा सिर्फ की तरह दिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा उबलने के बाद हो जाएगा। हो गया है सिल्कॉम एंड हमारा ये हिंगर डालेंगे। ये थोड़ा लोकल का सैंड वाला पता है, टेस्टी होता है चिकन मटन भी। हमारा ये हो गया है सिल्क वर्म, एरी पुक बोलता है आसामी इसमें। अभी खाएंगे, ये हो गया आप देख सकते हो। टारा हमारा लंच। फ्राई करेंगे हमारा सिल्क वर्म को, इडी पुक को तेल डालते हैं। अभी प्याज लहसुन मिर्चा को डाल देंगे। पाउडर डालेंगे, कम नमक डालेंगे एंड हमारा पुक को डालेंगे। कभी आपने खाया है ये? बनाइए आप अपने घर में।